देखना शुरू कर चुके हैं विराट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। खबर रीवा से है जहां इन दिनों झमाझम बारिश की शुरुआत हो चुकी है। सूबे में अब तक 95 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। इस बारिश ने लोगों को केवल गर्मी से राहत ही नहीं दी है बल्कि शहर के बेतरकीब हुए विकास की भी पोल खोल कर रख दी है। आज हम आपको ले चलेंगे शहर के वार्ड नंबर 4 अंतर्गत पडरा नई बस्ती और दिखाएंगे वहां का सूरत हाल जहां बारिश के बाद लोग हो चुके हैं बदहाल। आपको बता दें कि इस कॉलोनी में नालियां तो है लेकिन टूटी फूटी और बिना ढकी हुई, जहां आए दिन कोई न कोई मवेशी या फिर राहगीर अपनी गाड़ियों सहित गिरते पड़ते और चोटिल होते रहते हैं। नालियां इतनी सकरी और कम गहरी है कि अक्सर ही नाली का गंदा पानी सड़क पर फैल जाता है। कॉलोनी के खाली पड़े प्लॉट्स में कचरे का अंबार लगा है जो स्वच्छता अभियान की पोल खोलने के लिए काफी है। आपको बता दें कि कॉलोनी की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं जिसकी वजह से लोगों को इन सड़कों से निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी तो इन सड़कों को पैदल पार करने वालों को होती है और अब सितम ये कि जब बारिश हो गई तो कॉलोनी की ये सड़कें पूर्ण रूपेण दलदल में बदल चुकी हैं जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही साथ बारिश के मौसम में संक्रमण जन्य बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ गया है। वार्ड पार्षद की बात करें तो वो कॉलोनी की समस्या सुलझाने से ज्यादा खुद के विकास में ही लगे रहते हैं, इसलिए स्थानीय निवासियों ने नगर निगम प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द कॉलोनी की सड़क एवं नाली की विधिवत मरम्मत कराई जाए। नहीं जी।